होगा कि लोग अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके में। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें और अपने ओपिनियन को चाहे जिस किसी पार्टी को डालें, दे शुड कम आउट एंड रजिस्टर, फील हर्ड इन अ डेमोक्रेसी वेयर पीपल आर बीइंग दैट वी आर नॉट बीइंग हर्ड। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि लोग बाहर निकलें और अपनी आवाज़ को, अपनी खामोशी को रजिस्टर करें। चैलेंजिंग है, कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत तोड़फोड़ हो रही है यहाँ पर। डिलिमिटेशन में आप देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ा है, और खासकर पीडीपी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। 40 लोग हमारी पार्टी के तोड़े गए, काफ़ी प्रेशर है इस पार्टी पे। 5 अगस्त के बाद अगर कुछ टूटा है, सबसे पहले अटैक जो था वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे था। सर साहब, अमूमन हमने देखा है जितने भी यहाँ से पार्लियामेंटेरियंस चुन के जाते हैं, वहाँ पर वो चुपचाप करके वो सब कुछ सह लेते हैं, कोई भी बात नहीं होती। क्या एक्सपेक्टेशंस हम आपसे रखें अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप क्या क्या मेन पर्पस होगा वहाँ का बताने का या एजेंडा क्या होगा? मेरे ख्याल में अगर आप देखें, इस वक्त भी 3 मेंबर पार्लियामेंट है कश्मीर में, लेकिन बात अगर आज भी कोई करता है वो महबूबा जी है, वो पीडीपी का कारकुन है, पीडीपी के वर्कर है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर जमहूरियत में कि कश्मीरी को वो हक़ मिले, अपनी आवाज़ रखे, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस को हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इलेक्शन इज़ नॉट अबाउट मेकिंग गवर्नमेंट्स, दिस इज़ अबाउट गिविंग एन वॉइस एंड एजेंसी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वील ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि लोग निकलेंगे और उसी पे हम मेहनत करेंगे। महाराज जी, आप पर काफ़ी ज़्यादा जो ब्लेम गेम की जा रही है कि आपने ही इनिशिएट किया था पीएचईडी को तोड़ने में, क्योंकि आपने कहने की बात है, अगर पीएचईडी की शुरुआत महबूबा जी ने की, डोर टू डोर, घर घर वो गई, तब लीडरों ने दरवाजे बंद किए और महबूबा जी घर घर गई इस पीएचईडी के आइडिया को बनाने के लिए। उसके बाद पीएचईडी की बुनियाद उन मुद्दों पे है जिनकी वायलेशन खुद बाकी अलायंस पार्टनर्स की। ऐसा आप देखिए, आज यही हमारे अलायंस पार्टनर कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में यूनिटी करेंगे, लेकिन कश्मीर में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। गर्ज ये है कि अगर हम यूनिटी करते हैं तो हमारा वर्कर भी यूनाइटेड रहना चाहिए। अगर मैं वर्कर को लड़ाऊँगा गाँव में और खुद ऊपर यूनाइट हो जाऊंगा तो उसका आइडिया नहीं है हमारा। हम तो आज भी कहते हैं हम सारी पार्टी, सारी सीटें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तंजीम को सामने आना चाहिए था, एंड दे शुड हैव आस्क्ड महबूबा जी दैट दिस इज़ व्हाट वी ऑफर। फिर वो तीनों की तीनों लड़ते, कोई मसला नहीं था। महबूबा जी से भी मैंने सवाल किया, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता है कि आपके इलेक्शन में आने से अब बीजेपी को एज मिलेगा? नहीं, वो तो उनको सोचना है ना, देखिए जो ये कर रहे हैं, इट्स नॉट अवर डिसीजन, दिस वॉज फोर्स्ड ऑन अस, दिस डिसीजन वॉज फोर्स्ड ऑन अस बाय द क्योंकि वो बोलते हैं ये है ही नहीं ग्राउंड पे, तो आपको एग्जिस्टेंस है पॉलिटिकल पार्टी की स्टेक पे, तो वो तो करना ही पड़ेगा। हम तो चाहते थे यूनिटी चले, और सिर्फ ये कि कंसल्टेशन के साथ चले, हम चाहते वो पूछते हमें कि आप हमें अपना वोट दें, अपना सपोर्ट दें, ताकि हम भी अपने लोगों को मोबिलाइज